हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय सेल्फ आशीष फ्रॉम माय सेल्फ जयपुर। और गाइस, अब बनाया माय नेक्स्ट वीडियो, दैट इज एनीमिया। गाइस सॉरी, बहुत टाइम बाद वीडियो आई, लेकिन कोई नहीं, ठीक है। तो देखो यार गाइस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, नाम से पता पड़ता है। एनीमिया मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। वैसे एग्जाम में नहीं पूछते क्योंकि ये सेकंड ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। पैथोलॉजी में जनरली ये पूछते ही पूछते हैं, बट फर्स्ट ईयर में भी यार फिजियोलॉजी में मैंने देखा है जनरली आ जाता है, कहीं कहीं आ जाता है, बट वाइवा में जरूर ये पूछेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। वाइवा के अंदर तो मैं 100% कह रहा हूँ ये क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन ऐसे यूसी के अंदर जनरली ये क्वेश्चन मैंने देखा नहीं, ज्यादातर पेपर में आते हुए, ठीक है। तो ये अब टॉपिक अपन देखेंगे, डिफाइन एनीमिया एक तो, और क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। देखो यार, नहीं पूछते का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं, आप नहीं पढ़ो, ठीक है ना। एग्जाम हो गया यार, आपने नीट दे लिया, अब आप कितना करोगे, मतलब आपको चीजें आनी चाहिए, ठीक है। कोशिश क्या करो, आपको ऑलमोस्ट हर चीज आए, ज्यादा डीप में नहीं है बट एवरेज आपको सुपरफिशियली तो हर चीज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब अपन इस वीडियो में देखेंगे कि यार एक एनीमिया और क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। ओरिएंटेशन ये रहेगा कि पहले एनीमिया का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके क्लासिफिकेशन देखेंगे, और कुछ आरबीसी इंडेक्स है जो कि यार आपको कोई पढ़ाएगा नहीं जनरली फर्स्ट ईयर के अंदर, मतलब कहीं दिया भी नहीं है, केजन के अंदर भी नहीं दिया और गाइडन में भी नहीं दिया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसके बिना क्लासिफिकेशन समझ नहीं आएगा। तो इस टॉपिक को मैं थोड़ा टच करूंगा, सेकंड ईयर में पढ़ाया जाता है पैथोलॉजी में, बट मैं यहाँ टच करूंगा तभी आपको चीजें समझ में आएगी, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कितनी भी ब्लड रिपोर्ट देख लेना, आपके हाथ अभी भी कोई पास में आपके ब्लड रिपोर्ट हो, कोई आपके रिलेटिव की किसी की भी आप रिपोर्ट देख लेना, उसके अंदर हमेशा अपन जब सीबीसी ये सब करवाते ना तो उसके अंदर एमसीवी, एमसीएच, MCHC, RDW ये सब चीज़ें जरूर होती है। तो ये सब क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। हालांकि यार अभी क्या है, मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं तो मैं अभी क्लिनिकल पोस्टिंग्स नहीं जा रहा हूँ, हॉस्पिटल नहीं जा रहा हूँ, तो इस वजह से मैं ला नहीं सकता। अदरवाइज मैं SMS से किसी भी पेशेंट के लिए आता ना, ये सब चीज़ें होती है, पर अभी मैं ला नहीं पाऊंगा। तो आप कहीं भी देख लेना, गूगल पे देख लेना, ठीक है, ब्लड रिपोर्ट में ही होता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। सो स्टार्ट करें, ठीक है। देखो सबसे पहले यार एनीमिया, ठीक है, एनीमिया नाम से पता पड़ता है कि यार एनीमिया क्या होता है। देखो तो एनीमिया हमेशा से अपन पढ़ता है, इट इज एक्चुअली डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। बेसिकली ये है कि डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। अब यार वो डेफिशिएंसी किसी भी वजह से हो सकती है, या तो आरबीसी कम हो रहे हो, ठीक है, या आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन की कंसेंट्रेशन कम हो रही हो, ठीक है ना, ठीक है। तो घूम फिरा कि ये होता है एक्चुअली डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, तो ये इसकी होगी डेफिनेशन, ठीक है। अगर अपन देखा जाए तो ग्रेडिंग होती है इसके अंदर एक, ठीक है, ग्रेडिंग, जैसे कि अब माइल्ड एनीमिया है कि नहीं है, ठीक है, मॉडरेट एनीमिया है कि नहीं है, ठीक है, सीवियर एनीमिया है कि नहीं, क्योंकि यार जैसे मैंने क्या बोला, डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन मैंने आपको बताया था एवरेज 16 ग्राम पर डेसीलीटर के अराउंड होता है, ठीक है, 16 ग्राम पर डेसीलीटर। तो अगर यार माइल्ड है तो इसका मतलब ये हुआ कि अराउंड 8 से 12 ग्राम पर डेसीलीटर है। देखो यार क्या, देखो अब देखो यार 16 ग्राम पर डेसीलीटर, इसका मतलब यार मान लो मेरा 14 ग्राम पर डेसीलीटर है, ठीक है ना, ये मेल्स के अंदर जैसे मैं डेटा दे रहा हूँ। अब मान लो मेरा 14 ग्राम पर डेसीलीटर है तो मैं क्या एनीमिया नहीं हुआ? एक्चुअली देखो ध्यान से समझ रहे इस बात को, इंडिया के अंदर ना एनीमिया इतना कॉमन है क्योंकि अपन सब माल न्यूट्रिटेड है, मतलब एडल्ट्रेशन वाले फूड्स खा रहे और काफी मतलब ज्यादा फोर्टिफिकेशन नहीं है फूड्स के अंदर, तो जनरली 16 होने को ही अपन अच्छा नहीं मानते। अगर आप में आपकी हीमोग्लोबिन 14 ग्राम पर डेसीलीटर है ना, उसको भी एक बार के लिए एक्सेप्ट किया जाता है कि आप नॉर्मल हो। तो माइल्ड एनीमिया का डेफिनेशन बनता है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से 8 to 12 ग्राम पर डेसीलीटर, और अगर मान लो 5 से 8 है तो मॉडरेट, और लेस देन 5 ग्राम पर डेसीलीटर तो अपन को अब वो कहा जाएगा, वो पेशेंट कहा जाएगा सीवियर एनीमिक। तो आ रही है बात समझ में? तो ये ग्रेडिंग रहती है, ठीक है। अब अपन देखेंगे क्लासिफिकेशन। यार देखो सिम्टम्स की अगर अपन बात करें तो सिम्टम्स तो देखो क्या ही हो सकते हैं, फिर क्लासिफिकेशन देखते हैं। सिम्टम में क्या बोलूं, अब यार देखो एनीमिया है तो एनीमिया मतलब हीमोग्लोबिन कम है, मतलब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट अच्छे से नहीं हो पाएगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा, लेस ऑक्सीजन टिश्यूज पे पहुंचना, इट इज कॉल्ड हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया होगा तो मतलब समझ लो बंदे को पूरा ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो पेलर होगा, पैलर, ठीक है, पैलर मतलब समझो थोड़ी सी मतलब स्किन प्रॉपर व्हीटिश कलर की नहीं होगी, जो इंडियन का कलर होता है व्हीटिश, वो प्रॉपर व्हीटिश नहीं होगा, थोड़ा सा लाइट होगा, तो पैलर, वो जल्दी थक जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम है, तो फैटीग होगा, डिस्पनिया होगा कि उसको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी क्योंकि ऑक्सीजन कम मिल रहा है। तो ये बेसिकली सिम्टम्स रहते हैं कि एनीमिक पेशेंट के अंदर, ठीक है। वैसे क्या कॉज है एनीमिया का उस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, तो वही चीज मैं बता रहा हूँ जिसे अपन कहते हैं जनरली क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। देखो यार दो क्लासिफिकेशन आपसे पूछे जाएंगे,
ठीक है, एक तो है विटबाय क्लासिफिकेशन, ठीक है, एक तो है विटबाय क्लासिफिकेशन, एक है विंट्रोप क्लासिफिकेशन। ठीक है, दोनों क्लासिफिकेशन अपन देखेंगे। विटबाय क्लासिफिकेशन को कहते हैं इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं? इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इटियोलॉजिकल क्यों? क्योंकि विटबाय क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द कॉज ऑफ एनीमिया। इटियोलॉजिकल मतलब कॉज, कि एनीमिया का कॉज क्या है, उसके बेस पे क्लासिफिकेशन है, उसे कहेंगे विटबाय क्लासिफिकेशन। और विंट्रोप क्लासिफिकेशन की अपन कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्योंकि ये बेस्ड है आरबीसी का साइज क्या है, उसमें हीमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इसलिए इसे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम है विंट्रोप क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो अपन एक एक करके देखते हैं। पहले देखेंगे विटबाय क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो मैंने पानी पी लिया, अब स्टार्ट करें। देखो विटबाय क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, इट इज बेस्ड ऑन कॉज। ठीक है, अब यार देखो कॉज के ऊपर अगर अपन बात करें ना, तो देखो क्या क्या चीजें हो सकती है, मतलब क्या कॉज है कि देखो मान लो हीमोपोइसिस होनी चाहिए, ठीक है ना, आरबीसी बनना चाहिए, एरिथ्रोपोइसिस होनी चाहिए इन शॉर्ट। तो मान लो वो एरिथ्रोपोइसिस नहीं हो पा रही, क्यों? क्योंकि खाना सही नहीं आ रहा, तो डाइट्री डेफिशिएंसीज ये कॉज बन गया। ठीक है, डाइट्री डेफिशिएंसी। ठीक है, अब मान लो किसी रीजन की वजह से स्टेम सेल से डिस्ट्रक्ट हो गए, ठीक है, हीमोपोइसिस पूरी हो नहीं पा रही है, कह लो एबनॉर्मल हीमोपोइसिस है, तो वो हो गया एक डिसहीमोपोइसिस। ठीक है, डिसहीमोपोइसिस। अब मान लो हीमोपोइसिस सब सही हो रही है, सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन वो जो ब्लड बना है वो टूट रहा है, मतलब समझ लो ब्लड वेसल्स के अंदर ही टूट रहा है, अर्ली डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसका, एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ये हो गया हीमोलिटिक एनीमिया। ठीक है ना, इसे कहते हैं मतलब हीमोलिसिस हो रही है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, हीमोलिटिक एनीमिया। ठीक है, और एक है कि सब कुछ सही हो रहा है लेकिन वो लॉस हो रहा है, कहीं ना कहीं ब्लड लॉस हो रहा है अपनी बॉडी से, तो इसे कहेंगे हिमरेजिक। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली मैं ये चार कॉज के अंदर इस क्लासिफिकेशन को बांटा गया, चार कॉजेस जो मेन रखे गए कि भाई देखो, और चीजें ऐसे याद भी कर सकते हो आप, क्योंकि यार देखो पॉइंट्स से जनरली अब एग्जाम में आ जाता है विटबाय क्लासिफिकेशन भी, तो आपको पॉइंट ज्यादातर याद नहीं रहते, तब ऐसे याद रख लो ना कि हीमोपोइसिस होनी है, एरिथ्रोपोइसिस होनी है, ये कह लो हीमोपोइसिस होनी है, तो डाइट में अच्छी चीज आनी चाहिए, अब डाइट नहीं आएगी तो ये कॉज हो गया। ठीक है, हीमोपोइसिस ढंग से हो ही नहीं रही क्योंकि स्टेम सेल डिस्ट्रक्ट हो गए, तो डिसहीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस हो रही है लेकिन ब्लड के अंदर आरबीसी टूट रहे, दैट इज हीमोलिटिक एनीमिया। और मान लो सब कुछ टूट भी नहीं रहे लेकिन कहीं से लॉस हो जा रहा है, दैट इज कॉल्ड हीमोरेजिक कॉज। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द कॉज ये सब है, तो एक कॉज हो गया डाइट्री डेफिशिएंसी। अब डाइट्री डेफिशिएंसी मेनली यार अपन देखते कि आयरन की डेफिशिएंसी, ठीक है, विटामिन की डेफिशिएंसी, विटामिन के अंदर जनरली अपन विटामिन B12 की देखते हैं, तो इन सब की डेफिशिएंसी की वजह से अपना एनीमिया होगा। डिसहीमोपोइसिस मतलब जैसे इसका एक एग्जांपल होता है एप्लास्टिक एनीमिया। क्या होता है? एप्लास्टिक एनीमिया, या इसका क्या मतलब है समझो, कि एप्लास्टिक एनीमिया का क्या मतलब है कि एप्लास्टिक एनीमिया का अप्लास्टिक नाम से पता पड़ रहा है कि स्टेम सेल्स ही नहीं रहे, तो अगर बोन मैरो के जो स्टेम सेल्स है, जो सारे मतलब जो आगे जाकर के वो बनाते कमिटेड स्टेम सेल्स, मैंने आपको बताया था ना स्टेम सेल्स, फिर कमिटेड स्टेम सेल्स, फिर अलग अलग सेल्स बनते आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, ठीक है ना, मोनोसाइट्स, तो अगर मान लो वो स्टेम सेल्स ही डिस्ट्रक्ट हो गए, ठीक है, किस वजह से, किसी भी रीजन की वजह से, मान लो एक्सरेज की वजह से, ठीक है, ज्यादा एक्सरेज आ गई, एक्सरेज, इरेडिएशन, गामा रेस, ठीक है, इन सब की चीजों की वजह से, कोई ड्रग्स अपन जो नुकसान कर रही है अपने बोन मैरो को, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, कुछ सल्फर ड्रग्स होती है, ठीक है, तो इन सब चीजों की वजह से अप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, तो डिसहीमोपोइसिस, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल हीमोपोइसिस। ठीक है, हीमोरेजिक कॉज, अगर अपन बात करिए ब्लड लॉस हो रहा है, एक तो होता है भाई एक्यूट ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है, ब्लड लॉस होगा तो भी तो एनीमिया होगा, समझ लो, या तो बना मतलब हीमोपोइसिस हो ही नहीं रही, ढंग से नहीं हो रही तो एनीमिया, क्योंकि आरबीसी नहीं बनेंगे, आरबीसी बन गए पर लॉस हो गया तो एनीमिया, क्योंकि आरबीसी है नहीं बॉडी में। ठीक है, तो एक्यूट ब्लड लॉस हो सकता है, ठीक है, लाइक इन ट्रॉमा कंडीशन, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, या क्रॉनिक ब्लड लॉस हो सकता है, जैसे कि पाइल्स में होता है, ठीक है, पेप्टिक अल्सर में होता है, मेंस्ट्रुएशन, मान लो कोई एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है तो उसके अंदर होगा, तो ये हो गया क्रॉनिक हिमोरेजिक ब्लड लॉस, तो उसकी वजह से एनीमिया होगा। एक है हिमोलिटिक एनीमिया, इसको मैं अलग से बताता हूं, देखो
हीमोलिटिक एनीमिया। देखो हीमोलिटिक एनीमिया है, मैंने क्या बोला, इसके अंदर आरबीसी डिस्ट्रक्ट हो रहा है। तो आरबीसी डिस्ट्रक्ट होने के भी दो रीजन हो सकते हैं, एक तो कि आरबीसी के अंदर प्रॉब्लम हो या बॉडी के अंदर प्रॉब्लम हो, मतलब आरबीसी के बाहर या फिर बॉडी के अंदर कह लो, ठीक है, या आरबीसी के खुद के अंदर प्रॉब्लम हो। तो अगर खुद के अंदर प्रॉब्लम है दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक कॉज, मतलब समझ लो आरबीसी के खुद के अंदर प्रॉब्लम है तो इंट्रिंसिक कॉज, ये कह लो इंट्रा कॉर्पस्कुलर, कॉर्पस्कुलर वर्ड मैं आपको पता है ना आरबीसी के लिए यूज करते हैं, एक्चुअली सेल रेड कॉर्पस्कुलर तो मतलब आरबीसी, ठीक है ना। तो इंट्रा कॉर्पस्कुलर डिफेक्टो, ये कह लो एक्सट्रिंसिक डिफेक्टो, ये कह लो एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर डिफेक्टो, ठीक है। तो बेस्ड ऑन की भाई आरबीसी के अंदर दिक्कत है कि आरबीसी के बाहर, मतलब बॉडी के अंदर कोई दिक्कत है। अब जैसे एक्सट्रिंसिक है तो इंट्रिंसिक है तो इंट्रिंसिक मतलब आरबीसी पहले ही इस तरीके से बन रही की कुछ दिक्कत है, इसका मतलब जेनेटिक मैकेनिज्म पे प्रॉब्लम है कोई ना कोई, मतलब ये हेरिडिटरी होता है और ये एक्वायर्ड होता है। अरे बात समझ में, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ ज्यादा समझ में आएगा। देखो यार, अब मान लो जैसे मैंने आपको बताया आरबीसी का शेप होता है बाइकॉनकेव, ठीक है, आरबीसी का शेप होता है बाइकॉनकेव। मान लो वो कुछ हो जाता है स्पेरिकल, ठीक है। अब ये स्पेरिकल आरबीसी जो है ये अब जब स्प्लीन से पास होगा ना तो ये अटक जाता है, क्योंकि इसका अभी क्योंकि इतना फ्लेक्सिबल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया बायकॉनकेव ये लूज बैक शेप होता है जो आराम से स्क्वीज कर जाता है आरबीसी स्प्लीन के अंदर, स्प्लीन पल्प के अंदर से। लेकिन अब ये स्पेरिकल हो गया तो ये नहीं कर पाएगा और इसकी वजह से आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा, है ना। और ये कंडीशन एक इंट्रिंसिक कंडीशन है और इस कंडीशन को कहते हैं हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। देखो यार, यहाँ मैं एग्जांपल लिखता जाऊंगा और आपको छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन देता जाऊंगा, क्योंकि इतनी आपको जरूरत नहीं है उस डिस्क्रिप्शन की, ठीक है ना, क्योंकि ये सब वैसे भी एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है। आप कोई आपको हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कोई पूछेगा तो इतना ही पूछेगा कि भाई शेप में चेंज हो रहा है, ठीक है। और मान लो कि यार कुछ हीमोग्लोबिन के लेवल पर प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, जैसे अपन कहते हैं इसे हीमोग्लोबिनोपैथी, हीमोग्लोबिनोपैथी, पैथी मतलब पैथोलॉजी, ठीक है ना। लाइक अब जैसे इसके आपको पता होगा सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ठीक है ना। अब ये सब आपको पता है ना, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ये सब नहीं बता सकता। और वैसे एक बात ध्यान रखना यार, मैं एक पॉइंट और, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया जनरली पूछा नहीं जा रहा आपके फिजियोलॉजी के अंदर, ठीक है, और ये बायोकेमिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर आता ही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है वैसे भी, और ये आप वहां पे अच्छे से पढ़ोगे, कहां पे, बायोकेमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि वहां पे अपन हीमोग्लोबिन को बायोकेमिस्ट्री के लेवल पे पढ़ते हैं। तो वहां पे सिकल सेल, अब वैसे आपको पता ही होगा ना यार बीटा चेन में फर्क आता है, ठीक है, ये दो तरह के होते हैं अल्फा बीटा, इसके अंदर ग्लूटामेट वैलिन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर स्ट्रेस के अंदर वो सिकल शेप बन जाते हैं, फिर वो अटक जाते हैं, लॉज हो जाते हैं, समझ रहे, ये सब आपको पता ही होगा। हालांकि यार मैं इस पे वीडियो नहीं बनाने वाला, पर आप लोग इसकी तैयारी रखें, क्योंकि यार फिजियोलॉजी में ये पूछते नहीं है पर पूछ सकते हैं, और आप लोग ये अच्छे से पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इंट्रिंसिक कॉज मैंने आपको बता दिया, एक होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। अब यार ये भी एक हेरिडिटरी है। देखो यार इसमें क्या होता है, मान लो कोई, देखो इसको, इस टॉपिक को भी मैं और अच्छे से डिस्कस करूंगा थोड़ा सा आगे जा करके, ठीक है ना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है मैं बता नहीं सकता इनफिनिट टाइम। मैं यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन दे रहा हूँ, क्योंकि अपन एनीमिया पढ़ रहे हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस नहीं पढ़ रहे, बट आपको ब्रीफ डिस्कशन दे दूँ कि मान लो एक आरएच नेगेटिव मदर है, ठीक है, और उसके वूम में एक आरएच पॉजिटिव बेबी है। तो ये आरएच पॉजिटिव बेबी एक्चुअली एक एंटीजन, ये आरएच पॉजिटिव इस मदर की बॉडी के लिए एक एंटीजन है और ये इसको डिस्ट्रक्ट करती है, और वो डिस्ट्रक्ट करेगी तो आरबीसी टूट जाएगी तो एनीमिया की कंडीशन आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, ठीक है। एक है G6PD डेफिशिएंसी। अब G6PD का भी बहुत बड़ा रोल होता है ग्लूटाथायन बनाने में, तो इसकी वजह से मतलब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं बनता, ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो स्ट्रेस ज्यादा बनता है आरबीसी के अंदर, वो डिस्ट्रक्ट होते हैं, ठीक है। अब एक्सट्रिंसिक कॉज की बात करें कि कोई बाहर से दिक्कत, मान लो कोई एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो गई, ठीक है, तो ये एक एक्सट्रिंसिक कॉज हो गया। कोई इन्फेक्शन हो गया जिसके अंदर आरबीसी टूट रहे, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो इंडिया में देखा जाता है मलेरिया, ठीक है, उसके अंदर एनीमिया हो जाता है पेशेंट को। कोई ड्रग्स आप ले रहे हो लाइक क्विनिन, एस्पिरिन, ठीक है, या कोई पॉइजन, स्नेक वेनोम, कुछ कुछ सांप के जहर ऐसे होते हैं जो हिमोलिसिस कराते हैं, तो आरबीसी बहुत, मतलब सारे आरबीसी टूटते रहते जल्दी जल्दी और एनीमिया हो जाता है और वो हाइपोक्सिया की वजह से पेशेंट मरता है, ठीक है, कुछ स्नेक वेनोम इतने डेंजरस होते हैं। हाइपरस्प्लीनिज्म, वैसे तो क्या होता है यार, स्प्लीन जो है उसके अंदर अपना आरबीसी क्या होता है, डिस्ट्रक्ट होता है, ठीक है, तो अगर मान लो वो स्प्लीन मतलब ज्यादा हो जाती है या कह लो स्प्लीनोमेगैली हो रही है या हाइपरस्प्लीनिज्म की कंडीशन आ रही है, कहने का मतलब ओवर एक्टिविटी हो जा रही है
नॉर्मल डिस्ट्रक्शन मैकेनिज्म से, मतलब कोई नॉर्मल डिस्ट्रक्शन मैकेनिज्म अब ज्यादा ओवर एक्टिव हो गया तो उसकी वजह से दिक्कत आएगी। ये सब बॉडी के बाहर के मैकेनिज्म, इसलिए इसे कहेंगे एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट्स। आ रही है आपको बात समझ में? तो ये थे अपने एनीमिया की कुछ कॉजेज। ठीक है, चीजें याद हो रही ना आपको, मतलब मेरे साथ साथ ही चीजें याद हो जाएगी, डाइटरी डेफिशिएंसी, डिसहीमोपोइसिस, हिमोलिटिक एनीमिया और हिमोरेजिक कॉजेज। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन था ये था विटबाय क्लासिफिकेशन। अब अपन पढ़ेंगे विंट्रोप क्लासिफिकेशन। ठीक है यार, पेपर खत्म हो गया, मैं एक मिनट आया। हाँ, तो अब अपन पढ़ेंगे विंट्रोप क्लासिफिकेशन। देखो यार, विंट्रोप क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले अपन कुछ पढ़ेंगे आरबीसी इंडाइसिस, मतलब कुछ आरबीसी इंडेक्स, तीन चार पढ़ाऊंगा सिर्फ इंडेक्सेस। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, कुछ आरबीसी के लेवल पे अपन ने, मतलब देखो मैं समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो जो आरबीसी है ना, इसमें काफी चल रहा है कि आप रह सकते हो, क्योंकि ये आपके सिलेबस का ही नहीं है, मतलब थोड़ा ऊपर है आपसे। ठीक है ना, सेकेंड ईयर में जनरली पढ़ते हैं। देखो आरबीसी जो है ना, उसको भी अपन अलग अलग तरीके से कई क्राइटेरिया बना रखे कि यार इसका एमसीवी क्या है, अगर एमसीवी ज्यादा है। अब एमसीवी क्या होता है देखो समझना। देखो अपन पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ, देखो यार मैं खुद मतलब इतना बोल रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखो सुनो 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 ध्यान से, कुछ डरो मत, सुनो मेरी बात। मैं क्या कह रहा हूँ, आरबीसी इंडेक्स लाइक सबसे पहले एक होता है एमसीवी। ठीक है, इसका ये होता है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। देखो नाम से पता पड़ रहा है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, इसका मतलब होता है कि एक एवरेज वॉल्यूम ऑफ आरबीसी क्या है, एक आरबीसी का एवरेज वॉल्यूम क्या है। ठीक है, तो सीधी सी बात है यार, कितना मतलब आरबीसी है एक ब्लड के अंदर, कितना कंसंट्रेशन आरबीसी है, और टोटल आरबीसी क्या है, मतलब टोटल आरबीसी का वॉल्यूम क्या है और टोटल आरबीसी के नंबर क्या है, अगर मैं वो डिवाइड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा कि एवरेज वॉल्यूम क्या है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है पीसीवी अपॉन आरबीसी काउंट। ठीक है, पीसीवी मैंने आपको बताया, हिमेटोक्रिट को ही पीसीवी कहते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, हिमेटोक्रिट जो मैंने बताया था उसी को अपन कहते हैं पैक्सेल वॉल्यूम, कि प्रोपोर्शन ऑफ ब्लड विच इज आरबीसी, तो वो कितना वॉल्यूम ले रहा है वो अपना आरबीसी, और आरबीसी काउंट टोटल कितनी है उसके अकॉर्डिंग अपन निकालते हैं। ठीक है, इसकी नॉर्मल जो वैल्यू रहती है वो होती है अराउंड 80 to 100 फेमटोलीटर। ठीक है, ये नॉर्मल वैल्यू है। ठीक है, अब एक आरबीसी का शेप दिख गया कि मान लो अगर 80 to 100 आ रहा है फेमटोलीटर, मतलब ये है एक आरबीसी का वॉल्यूम। ठीक है, आगे बात समझ में। अगर मान लो ये वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है, तो कहेंगे माइक्रोसिटिक। क्या कहेंगे? माइक्रोसिटिक। और ये वॉल्यूम नॉर्मल है तो अपन कहेंगे नॉर्मोसिटिक, और अगर ये वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो अपन कहेंगे मैक्रोसिटिक। आ रही बात समझ में? तो ये होता है एमसीवी, अगर मतलब एक वॉल्यूम क्या है, छोटा हो गया तो माइक्रो, बड़ा हो गया तो मैक्रो, वरना नॉर्मो। ठीक है, आगे बात समझ में। अब मैं कुछ कंडीशंस बताऊंगा जिसके अंदर ये माइक्रोसिटिक मतलब ये छोटे हो जाते हैं, मैक्रो मतलब कुछ बड़े हो जाते हैं, सुनना, और यही आपका आगे जाके क्लासिफिकेशन बनाएगा। आप ध्यान से सुनना, माइक्रोसिटिक किन किन केसेस में देखने को मिलता है। ठीक है, एक हो गया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, उसके अंदर अपना आरबीसी का जो साइज है वो छोटा हो जाता है। एक है थैलेसीमिया, ठीक है, एक कंडीशन है कहां देखने को मिलता है, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीज। कुछ क्रॉनिक डिसीजेस जो होती है ना, जो लॉन्ग डिसीजेस चलती है, उनके अंदर भी अपन को माइक्रोसिटिक देखने को मिलता है, और माइक्रो आरबीसी छोटे देखते हैं, और इसको कहते हैं माइक्रोसिटिक एनीमिया, नॉर्मोसिटिक एनीमिया, मैक्रोसिटिक एनीमिया। आगे बात समझ में? तो इन केसेस के अंदर अपन को माइक्रोसिटिक कंडीशन देखने को मिल रही है। ठीक है, अब नॉर्मोसिटिक देखते हैं भाई। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे जो सेल है ना वो नॉर्मल रहता है, हालांकि एनीमिया है, जैसे कि समझना, आफ्टर एक्यूट हिमरेज। मान लो यार कुछ एक्सीडेंट हो गया, मान लो कोई अचानक से ज्यादा ब्लड लॉस हो गया, किसी ने अपनी नस वस काट ली तो बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया, लेकिन सेल का साइज तो सेम रहेगा बॉडी के अंदर। ठीक है, आफ्टर क्रॉनिक हिमरेज, क्योंकि आप समझो ना बात को, क्योंकि यार जो बॉडी है ना वो कंटिन्यूसली सेम एरिथ्रोपोइसिस करी जा रही है, तो साइज तो सेम रहेगा आफ्टर एक्यूट हिमरेज, आफ्टर क्रॉनिक हिमरेज। और कब हो सकता है? हिमोलिटिक एनीमिया भाई, मान लो यार जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लड के अंदर नॉर्मली चल रहे हैं अपने आरबीसी, अगर वहां पर डिस्ट्रक्शन हो भी रहा है, मान लो मलेरिया के अंदर डिस्ट्रक्शन हो रहा है, बट जो न्यू आरबीसी बन रहे वो तो सेम बन रहे, तो हिमोलिटिक एनीमिया एक्सेप्ट थैलेसीमिया। भाई थैलेसीमिया में ऐसा नहीं है, क्योंकि थैलेसीमिया भी एक हिमोलिटिक एनीमिया ही है, बट थैलेसीमिया माइक्रोसिटिक की कंडीशन है। एप्लास्टिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया मैंने अभी आपको बताया क्या, कि बोन मैरो बना ही नहीं रहा सेल्स। ठीक है, अब मान लो वो बनाता तो नॉर्मली बनते, ठीक है ना, बना नहीं रहा मतलब बहुत कम अब आरबीसी बन रहे, तो बन रहे लेकिन नॉर्मल बन रहे, लेकिन बन कम रहे, तो एनीमिया तो है पर नॉर्मोसिटिक है। आ रही है बस समझ में? अब मैक्रोसिटिक के एग्जांपल देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है,
मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। जैसे मेगलोब्लास्टिक मतलब सेल्स बहुत बड़े हो जाते हैं, एक राउंड से ओवल से सेल्स दिखते हैं। ये किसके अंदर देखने को मिलता है? B12 की डेफिशिएंसी, ये कह लो आयरन की या फोलेट की डेफिशिएंसी, आयरन नहीं है, आयरन की डेफिशिएंसी में तो माइक्रोसिटिक होता है, फोलेट की डेफिशिएंसी या कह लो कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी, क्योंकि कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 को इंटेस्टाइन तक ले जाता है, ठीक है। तो इन सबकी डेफिशिएंसी में मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। और अगर मैं मेगलोब्लास्टिक का एग्जांपल दूं तो लिवर डिसफंक्शन, उसके अंदर भी अपन को मेगलोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है। और ये जो ये जो सिस्टम है इतना अपडेटेड और एक्यूरेट सा है ना कि ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा, MCV आपको हर ब्लड रिपोर्ट में देखने को मिल ही जाता है। आरिवासन में तो इस तरीके से डिवीजन है, माइक्रोसिटिक, नॉर्मोसिटिक, मैक्रोसिटिक, ठीक है। अब अपन देखेंगे, ये तो अपना हो गया एक, अब अपन चार और है, ठीक है ना, तीन और है। एक है MCH, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, ठीक है, कि एक RBC में कितना हीमोग्लोबिन है, समझ में आ रही है बात। मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, वो कहता है MCV, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, कि एक RBC का वॉल्यूम क्या है, इसमें कितना हीमोग्लोबिन है, ठीक है। तो एवरेज, मतलब कहने का मतलब एवरेज हीमोग्लोबिन इन RBC, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, MCH का फॉर्मूला होगा कि हीमोग्लोबिन टोटल कितना है और RBC टोटल कितने हैं, मतलब RBC काउंट कितने और हीमोग्लोबिन टोटल कितना है। और इसका नॉर्मल जो वैल्यू रहता है वो अराउंड रहता है 27 से 32 पिकोग्राम, ठीक है। तो एक एवरेज इतना रहता है। अब मान लो यार, देखो इसके अंदर दो केस बनते हैं, जनरली हीमोग्लोबिन कभी ज्यादा नहीं होता, कम होता है, या तो कम होगा या नॉर्मल होगा, क्योंकि यार एक इसी तरीके से बॉडी बनी हुई है, नॉर्मोक्रोमिक हाइपोक्रोमिक। भाई क्रोमिक मतलब कलर अपन ऐसे करें कि हाइपोक्रोमिक कम है, नॉर्मोक्रोमिक ज्यादा है, ठीक है, सॉरी नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मल है, हाइपोक्रोमिक कम है, ठीक है। तो नॉर्मोक्रोमिक जनरली किस चीज में देखने को मिलता है, अब ध्यान से समझना, जो नॉर्मल, तो देखो अब अपन देखेंगे कि यार हाइपोक्रोमिक और नॉर्मोक्रोमिक के एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। देखो अब यही, ये जो मैंने क्लासिफिकेशन बताया था, ठीक है ना, इसी को अपन डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यही आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यही थैलेसीमिया, ठीक है, इनके अंदर हो जाता है हाइपोक्रोमिक, ठीक है, हाइपोक्रोमिक। यार थोड़ा सा मैंने ये गलत कर दिया, मतलब ये एग्जाम्पल सही है पर मैंने इसको इस पैटर्न से लिखा था कि आपको जल्दी से याद हो जाए चीजें। एक्चुअली ये है और ये जो तीनों है ना ये यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो क्रॉनिक हेमरेज को ऊपर रख सकते हैं, ये यहाँ रख सकते हैं। कहने का मतलब हाइपोक्रोमिक और कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, देखो एक तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और थैलेसीमिया, ये एक हाइपोक्रोमिक की कंडीशन है, आफ्टर क्रॉनिक हेमरेज या हाइपोक्रोमिक का कंडीशन है, ठीक है, और लिवर डिसफंक्शन या हाइपोक्रोमिक की कंडीशन है। तो इन सब के अंदर क्या देखने को मिलता है, हाइपोक्रोमिक और नॉर्मोक्रोमिक, इनमें एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीज, आफ्टर एक्यूट हिमरेज, हिमोलिटिक एनीमिया, अप्लास्टिक एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। और इन्हीं दो मेथड पे अपना बना हुआ है क्या, विंट्रोप क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब मैं अगर आपको विंट्रोप क्लासिफिकेशन बताऊं तो ये सेम वही चीज बनती है, ठीक है। विंट्रोप क्लासिफिकेशन देखना, अभी मैंने आपको दो इंडेक्स बता दिए, दो इंडेक्स अभी आपको दो मिनट में और बताता हूं, ठीक है ना। अब अपन देख सकते हैं विंट्रोप क्लासिफिकेशन, और विंट्रोप क्लासिफिकेशन के लिए यही जानकारी की जरूरत थी जो मुझे आपको बतानी थी कि यार ये MCV MCH होता क्या है। अगर ये नहीं बताता तो आपको ये समझ ही नहीं आता कि नॉर्मोसिटिक और ये सब क्या होता है, विंट्रोप क्लासिफिकेशन। और मैंने आपको बताया इसे क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्यों, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन साइज ऑफ RBC एंड अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। और यही तो मैं आपको बता रहा हूं, MCH MCV, आगे बात समझ में, यही चीज मैं आपको समझा रहा था। और इन्हीं के बेसिस पे डिवाइड किया गया है कि भाई MCV मैंने अभी आपको बताया, ठीक है ना, वापस वही बता देता हूं कि एक तो हो गया माइक्रोसिटिक, एक नॉर्मोसिटिक, ठीक है, और एक है मैक्रो, ठीक है, और हाइपोक्रोमिक और नॉर्मो क्रोमिक, ठीक है। यही चीज तो अभी मैंने आपको बताई और यही वही एग्जांपल है, बस थोड़ा सा मैंने इसको उल्टा लिख दिया, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है, ये वही है, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया थैलेसीमिया, और हाइपोक्रोमिक नॉर्मोसिटिक आफ्टर क्रोनिक हेमरेज, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक लिवर डिसफंक्शन, ठीक है। और ये है नॉर्मोक्रोमिक, दैट इज नॉर्मो माइक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक, ये तीनों एग्जाम्पल्स, मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक, मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक, ये मेगलोब्लास्टिक एनीमिया वाला एग्जांपल। आ रही बात समझ में,
आई होप यार थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं हुआ, सॉरी ना दोस्तों, मतलब मैंने गलती से ध्यान नहीं दिया, मुझे ये ऊपर लिखना चाहिए था। आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं हो रहा ना, मुझे एक बार ना मैसेज करना वीडियो के अंदर, जो भी वीडियो देख रहा है पहले स्टार्टिंग में, कि यार भैया कोई कन्फ्यूजन नहीं है, समझ में आ गई नहीं चीज़, वरना मैं वीडियो डिलीट करके वापस बनाऊंगा। और मुझे मतलब बहुत बुरा लग रहा है कि मैं आप लोगों को कन्फ्यूज तो नहीं कर रहा ना, चीज़ें आ रही ना समझ में, मतलब ये चीज़ें ज़रूरी है सीखना, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ, वरना मैं भी बाकी सारे मतलब चैनल्स की तरह जो भी अभी देखे मैंने यूट्यूब पे, कोई इतना ये चीज़ें सिखाता नहीं है, तो मैं भी ऐसे पढ़ा देता। पर ये चीज़ आपको नहीं आएगी ना, आपको बहुत बुरा भी फील होगा, क्योंकि आपको हर रिपोर्ट में ये चीज़ देखने को मिलेगी। हाँ, तो आया ना समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। यही क्लासिफिकेशन है विंट्रोप का क्लासिफिकेशन, कि माइक्रोसिटिक, माइक्रोसिटिक, नॉर्मोसिटिक, मैक्रोसिटिक और हाइपोक्रोमिक और नॉर्मोक्रोमिक के एग्जाम्पल्स क्या क्या है, एंड इट इज बेस्ड ऑन साइज एंड अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। आ गया ना, पक्का समझ में आ गया ना। देखो आरबीसी इंडेक्स मैंने आपको दो बता दिया, मैं आपको तीसरा आरबीसी इंडेक्स बता रहा हूँ, वो काफी इजी है। MCHC मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन, कहने का ये मतलब है कि अब मैं डेसीलीटर पे बात कर रहा हूँ कि एक डेसीलीटर के अंदर कितना हीमोग्लोबिन का कंसेंट्रेशन है, ठीक है। तो अगर मैं बताऊं तो अब ये सिंपल सा इसका फॉर्मूला बनता है, ये MCH अपॉन MCV कि एक का वॉल्यूम क्या है और उसका हीमोग्लोबिन का कंसेंट्रेशन क्या है, तो एक एवरेज अपन को मिल जाता है। और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू रहती है वो रहती है 33 से 38 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। इसका कोई मतलब मेजरली मैं बस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कंप्लीट करना है, आरबीसी इंडेक्स के टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए अब मैं खींच रहा हूँ। बाकी जो मेन आपके आरबीसी इंडेक्स थे वो दोनों थे, एमसीवी और एमसीएच, और वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको मिस मत करना। एक्चुअली बुक में नहीं समझा रखा, बट आप लोग मेरे चैनल से सीख सकते हैं, ठीक है ना, और मैं चाहता हूँ आप लोग ये सीखे, ओके। और मतलब मैं वापस से सॉरी बोल रहा हूँ कि यार वो थोड़ा सा गलत हो गया, मतलब गलत नहीं था, वो सही था, बस मैंने गलत पैटर्न में लिख दिया, जिससे मतलब थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ होगा, बट सही चीज़ें लिखा है, मैं पढ़ा था सब कुछ सही हो, ठीक है ना। तो MCV MCH, ठीक है। तो अब मैं कह रहा था कि यार इसी के अंदर एक होता है कि इसके अंदर भी ये होता है, एक तो नॉर्मल कंडीशन और एक इंक्रीज, कि भाई इंक्रीज कायम हो जाता है, तो नॉर्मल रहेगा अपना मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में, ठीक है, और इंक्रीज हो जाता है हेरिडिट्रोस्फेरोसाइटोसिस में, ठीक है, क्योंकि यार हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। तो अब डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होता है, ज्यादा आरबीसी आ सकते कम वॉल्यूम के अंदर, ठीक है ना, मतलब समझ लो पैक्ड सेल ज्यादा हो गया, ठीक है, तो ज्यादा आरबीसी आ जाएंगे, और ज्यादा आरबीसी आएंगे तो मतलब पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन की कंसेंट्रेशन बढ़ गई, समझ में आ रहा है चीजें समझ पा रहे हो, मतलब मान लो ये था, ठीक है, अब मान लो डिहाइड्रेशन हो गया, मान लो पहले इतना दूर था आरबीसी हिमेटोक्रिट के बाद भी, ठीक है ना, ऊपर अपना फ्लूइड रह गया प्लाज्मा और ये आरबीसी है, बट बीच में थोड़ा बहुत वो रहता है ये फ्लूइड, अब मान लो डिहाइड्रेशन है तो मतलब ज्यादा आरबीसी आ पाएंगे, ठीक है, अब ज्यादा आरबीसी आप आएंगे तो मतलब ज्यादा हीमोग्लोबिन पर डेसीलीटर बन जाएगा, ये तो है पर डेसीलीटर पर अपन देख रहे, तो इस वजह से इंक्रीज, तो हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में यही होता है कि भाई डिहाइड्रेशन की वजह से ज्यादा आरबीसी आ पाते, तो उसकी वजह से बढ़ जाता है। और एक लास्ट बचा है आरडीडब्ल्यू, ठीक है, आरडीडब्ल्यू का मतलब क्या होता है, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, ठीक है। देखो दो टर्म्स होते हैं, एक तो होता है एनाइसोसाइटोसिस, एक होता है पोइकिलोसाइटोसिस। एनाइसोसाइटोसिस का मतलब क्या हुआ, डिफरेंस मतलब क्या ना, वेरियस आरबीसी शेप, मतलब एक ह्यूमन ब्लड के अंदर, एक इंसान के अंदर अलग 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 आरबीसी के सॉरी अलग अलग आरबीसी के साइज है ना, तो वो हो जाएगा एनाइसोसाइटोसिस, समझ लो। देखो अलग अलग आरबीसी के साइज है तो इसे कहेंगे अपन एनाइसोसाइटोसिस, और अलग अलग शेप है तो इसे कहेंगे पोइकिलोसाइटोसिस, समझ। कुछ स्टिलेट शेप्ड है, कुछ सिकल शेप है, कुछ पेंसिल सेल्स है, समझ रहे हो। तो अलग अलग शेप हुआ तो हो गया पोइकिलोसाइटोसिस, और अलग अलग साइज हुआ था एनाइसोसाइटोसिस। ये अलग अलग साइज को ही कहते हैं आरडीडब्ल्यू, ठीक है, इसको नहीं कहते, इसे किसे कहते हैं, एनाइसोसाइटोसिस, मतलब कितना ज्यादा वेरिएशन है, आ रही बात समझ में, तो इसे कहेंगे अपन आरडीडब्ल्यू। और ये आरडीडब्ल्यू जो है ये भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो मैंने आपको क्या बताया, अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपने समझा हो तो ये देखो, ये रहा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और थैलीसीमिया, दोनों ही माइक्रोसिटिक और हाइपोक्रोमिक है, तो इन दोनों के डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो इसके लिए है अपना आरडीडब्ल्यू। एनाइसोसाइटोसिस अगर नॉर्मल है ना, तो है अपना थैलीसीमिया,
ठीक है, एनिसोसाइटोसिस अगर अपना नॉर्मल है तो दैट इज कॉल्ड थैलीसीमिया, और अगर अपना एनिसोसाइटोसिस इंक्रीज्ड है दिस इज इज केस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, तो क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में अलग अलग ज्यादा वेरिएशन ऑफ साइज दिखता है, और अगर नॉर्मल थोड़ा बहुत एनिसोसाइटोसिस है तो थैलीसीमिया कहलाता है। ठीक है, आपको आगे बात समझ में? तो ये चार इंडेक्स थे जो मुझे आपको समझाने थे, और मैंने आपको आरबीसी इंडेक्स समझा दिए, दोनों का क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। हाँ देखो, ये अपन करने वाले थे एनीमिया का इंट्रोडक्शन, मैंने आपको बता दिया डेफिनेशन क्या है, ग्रेडिंग क्या है, सिम्टम्स क्या रहते हैं, क्लासिफिकेशन दो रहते हैं, विटबाय और विंट्रोप। अब यार ये कैसे याद कर सकते हो कि कौन सा विटबाय, जनरली आप भूल जाओगे, इसलिए मैं आपको याद कर मैंने कैसे याद किया मैं बता रहा हूँ, बाकी आप अपनी ट्रिक ढूंढ सकते हैं। विंट्रोप क्लासिफिकेशन और एक है विटबाय। ठीक है, बाय का मतलब बाय बाय, मतलब ये क्लासिफिकेशन अब थोड़ा सा आउटडेटेड है, इसको जनरली कोई यूज नहीं करता, और विंट्रोप क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, एमसीवी और एमसीएच के कॉन्सेप्ट इसी में है, और अपन हर आरबीसी या हर सीबीसी की रिपोर्ट में ये देखने को मिल जाता है। तो बाय बाय वाला क्लासिफिकेशन दैट इज विटबाय क्लासिफिकेशन दैट इज इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और विंट्रोप क्लासिफिकेशन मतलब समझे एमसीवी एमसीएच वाला मतलब मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और आरबीसी का इंडेक्स मैंने आपको पढ़ा दिया एमसीवी एमसीएच एमसीएचसी एंड आरडीडब्ल्यू। अच्छा, एक टॉपिक और अपन देख रहे थे, वो है कि इफेक्ट ऑफ एनीमिया ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। हालांकि यार मैंने अभी आपको सिम्टम बताए थे कि भाई पैलर होगा, फटीग होगा, डिस्निया होगा, लेकिन एक क्वेश्चन आ जाता आ सकता है, मतलब व्हाट विल हैपन एंड वाई में ही पूछ सकते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, पूछा नहीं है आज तक, बट मुझे लगता है पूछ सकते हैं, और जब पूछेंगे तो हर कोई मतलब ऐसा आंसर दे दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखो क्या होता है कि भाई अब मान लो एनीमिया, एनीमिया का मतलब क्या, आरबीसी या तो घूम फिरा के मैं कहना चाहूँ आरबीसी की कम है, रेड सेल्स कम है, क्योंकि हीमोग्लोबिन या तो रेड सेल में नहीं है, तो वैसे भी आरबीसी कम बनने चालू हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन ही ज्यादा नहीं होगी किसी भी रीजन की वजह से, तो ऑफकोर्स आरबीसी भी थोड़े कम ही बनेंगे। तो रेड सेल्स कम है तो विस्कोसिटी जो होती है ना ब्लड की, वो कम हो जाती है। ठीक है, अब विस्कोसिटी कम हो गई, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर विस्कोसिटी कम हो गई तो रेजिस्टेंस कम हो गया, तो पेरिफेरल जो रेजिस्टेंस है वो कम हो गया, उस वजह से क्या होता है ब्लड फ्लो बढ़ जाता है टिश्यू के लेवल पे। ठीक है, अब कोई वो नहीं है रुकावट रेजिस्टेंस की, तो ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया। अब इस ब्लड फ्लो के इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, क्योंकि अब वही ब्लड जल्दी जल्दी रोटेट कर रहा है बॉडी के अंदर, तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। एक